नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल, महीना भर स्टोर करने वाली गुड़ की चाशनी न बनाते हुए भी तिल के वड़े बनाने वाले हैं। ऐसे बनाने वाले हैं कि जैसे ही मुंह में डालेंगे वह घुल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनी है यह वड़ी, बच्चे बड़े बहुत ही पसंद से खाएंगे इस वड़ी को। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने वड़ी बनाने के लिए 1 कटोरी सफ़ेद तिल लिए है और तिल को देखिए अच्छे से धो लिया है, धोकर फिर सुखाया है। 1 कटोरी लिए है मूंगफली के दाने और 2 कटोरी गुड़ लिया है, थोड़ा जायफल और 3 हरी इलायची लिए है। सबसे पहले अभी हमने एक कढ़ाई रखे है, इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने को डाल देना है और इन्हें अभी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। देखिए यहाँ पर देखिए, और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। और यहाँ पर देखिए मूंगफली के दाने अच्छे से भून के हो गए, देखिए कैसे छिलका भी इसका आसानी से निकल रहा है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे जो हमने तिल्ली लिए थे, इसे भी डाल देते हैं और इसे भी डालकर भून लेना है। और इसे देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। यहाँ पर देखिए तिल्ली का कलर चेंज हो गया है, ये भी अच्छे से भून के हो गई है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें मूंगफली के दाने के छिलके निकाल कर इसे डाल दिए हैं। अभी हमें इसे पीस लेना है। यहाँ पर देखिए मूंगफली के दाने को पाउडर बनाना है अच्छा, और इसमें हम इलायची भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से पाउडर बना लिए हैं। अभी हम इसी जार में तिल्ली भी डालकर इस तरह से पीस लेना है तिल्ली को भी। यहाँ पर देखिए हमने एक थाली लिए है, अभी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे इस तरह से देखिए फैलाना है, घी को चारों साइड से फैला लेना है। अभी यहाँ पर हमने कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को अच्छा गरम करना है। घी अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पे पिघलाना है। देखिए यहाँ पर गुड़ को इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे पिघलाना है, इसके हमें चाशनी नहीं बनाना है। गुड़ यहाँ पर देखिए इस तरह से बीच बीच में चलाते भी रहना है। और यहाँ पर देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है और अभी हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने फल्ली के दाने का पाउडर बना रहे थे उसे डाल देंगे, और इसमें अभी हम डाल देंगे ये जो हमने तिल्ली का भी पाउडर बनाए थे उसको भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जायफल का पाउडर। अब हम इसे थाली में निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से थाली में निकाल लेंगे। अभी हम इसे इस तरह से देखिए सेट कर लेंगे, देखिए इस तरह से सेट कर लेना है। और इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे फैला देंगे, इस तरह से फैला लेना है। और इसको अभी हम कट कर देंगे, देखिए इस तरह से कट कर लेना है, बहुत आसानी से यह कट होता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से तिल की वड़ी। इस मकर संक्रांति पे आप ज़रूर से बनाए, आप इसे महीना भर भी स्टोर करके रख सकते हो, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी हम इसे दूसरे साइड से भी कट कर देते हैं, देखिए इस तरह से बहुत आसानी से यह कट हो रही है। आप लोग इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए तिल की वड़ी को। और यहाँ पर देखिए हमने तिल की वड़ी को अच्छे से कट कर लिया है। अभी हम इसे 1 घंटा रख देंगे ठंडा होने के लिए, देखिए 1 घंटा इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर देखिए 1 घंटे बाद ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी हम इसको एक बार और थोड़ा सा कट कर लेते हैं चाकू से, ताकि हमारी जो वड़ी है वह अच्छे से निकले आसानी से। इस तरह से एक बार और कट लगा देना है। और यहाँ पर देखिए हमने कट लगा दिए हैं। अभी हम आपको एक निकाल कर दिखाते हैं, देखिए कितने अच्छे से बनी है, यह कुछ भी चिपकी नहीं है थाली को, देखिए कितने सॉफ्ट बनी है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितने सॉफ्ट बनी है यह वड़ी, आप लोग इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए तिल की वड़ी इस संक्रांति पे। आप इसे महीना भर स्टोर करके भी रख सकते हो, आप इसके लड्डू भी बना सकते हो।
आपको यदि वड़ी नहीं बनाना है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, और एंजॉय कीजिए यह तिल की वड़ी इस मकर संक्रांति पे। आप भी खाइए और पूरे परिवार को भी खिलाइए। बाय बाय दोस्तों।